बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 48, जिसमें हमने डिस्कस करने हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेटा, सबसे पहले जनरल पैटर्न्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। हाईली स्टेबल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के रेडली अवेलेबल नहीं होते न्यूक्लोफिलिक अटैक के लिए, जैसा कि अल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल होते हैं। दूसरी जानब, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन रिंग के, उन पे कोई वो किसी अटैक किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर सकते। इसका मतलब एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड होता है टू पेनिट्रेट एंड ब्रेक द कंटिन्यूस शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन बेंजीन। इसका मतलब इस दो लाइन में क्या कहा गया बेटा कि बेंजीन के हाईली स्टेबल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लोफिलिक अटैक के लिए रेडली अवेलेबल नहीं होते, जिस तरह अल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉन रेडली अवेलेबल हैं। जबकि दूसरी जानिब, जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड शीथ जो है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो शीथ है बेंजीन के केस में, वो स्टेबल है। तो इसे पेनिट्रेट करने के लिए और इस कंटिन्यूस शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा। अब एग्जाम्पल देखें हेलोजिनेशन की। इलेक्ट्रोफाइल जो हेलोजिनेशन के केस में है, पहले पता हो कि हेलोजिनेशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन इन बेंजीन रिक्वायर आयरन आर करस्पॉन्डिंग फेरिक हेलाइड एज अ कैटलिस्ट। बेटा, इस केस में हेलोजिनेशन के केस में होता क्या है कि बेंजीन का जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है विद हेलोजन एटम। और दूसरा, इस बेंजीन में हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होता है आयरन या करस्पॉन्डिंग फेरिक हेलाइड कैटलिस्ट। यानी अगर आप क्लोरीनेशन करना चाहते हो तो आयरन या फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट, ब्रोमिनेशन करना चाहते हो तो आयरन या फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट, आयोडीनेशन करना चाहते हैं तो आयरन या फेरिक आयोडाइड कैटलिस्ट। अब होता क्या, इनफैक्ट ये जो आयरन होता है, आयरन पहले रिएक्ट करता है हेलोजन से, बनाता है फेरिक हेलाइड, जो फर्दर हेलोजन से रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, जिसे बोलते हैं हेलोजिनोनियम आयन। देखें कैसे, ये आयरन है, जब इसे इन हेलोजन के साथ रिएक्शन किया है, बनाया फेरिक हेलाइड। ये फेरिक हेलाइड एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट और जनरेट करेगा टेट्रा हेलोफेरेट आयन प्लस हेलोजिनोनियम आयन। दिस हेलोजिनोनियम आयन having a positive charge on it act as a strong electrophile for halogenation of benzene. अब ये जो हेलोजिनोनियम आयन है, प्रोड्यूस होगा एज अ पावरफुल अटैक करेगा एज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। तो देखिए, ये हेलोजिनोनियम आयन है, इस पे ये पाई इलेक्ट्रॉन आके अटैक करेंगे। बेटा ये क्यों, कि अब ये यहाँ से ये कार्बन इससे जुड़ने वाला है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे जब मैंने शिफ्ट किए हैं तो इस सी पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस सी पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इसे कहेंगे बेंजीनोनियम आयन। क्योंकि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर एक्स पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, एच ऑलरेडी इस सी से अटैच है, तो ये जो सी है इस सी पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस सी पे जब चार्ज आता है, क्योंकि ये बेंजीन का था बॉन्ड खत्म हुआ, तो इसे बोलते हैं बेंजीनोनियम आयन और एरिनियम आयन। फिर ये जो बेंजीनोनियम आयन है, यहां पे होता है चार्ज पॉजिटिव इधर इस बेंजीनोनियम आयन के केस में। अब ये जो फेरिक टेट्रा हेलोफेरेट आयन बना था, ये न्यूक्लोफाइल है, इसका एक्स नेगेटिव अटैक करेगा इस एच पर, तो बनेगा एच, एक एफ ई एक्स फोर से एक्स निकलेगा, एच से बनाएगा एच एक्स। ये जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट होंगे इधर, इधर का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा यहाँ पे और बन जाएगा पाई बॉन्ड, जिससे बेंजीन दोबारा
डीलोकलाइज सिस्टम डेवलप कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अल्हेलो बेंजीन प्लस फेरिक हेलाइड प्लस एचएक्स में। अब एडिशन प्रोडक्ट, ये यहाँ तक एडिशन हुई थी कि इधर जब एक्स ऐड हुआ तो ये एडिशन थी, लेकिन एडिशन की वजह से जो बेंजीन की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी थी हाईली डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो ख़त्म हो गया, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई। तो स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए हमारे पास जो एच होता है फिर वो रिप्लेस हो जाता है। अब ये जो एक्स पॉजिटिव आया ये इलेक्ट्रोफाइल है, जो एच पॉजिटिव गया वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया इसलिए ये रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे इसे लिखा है द एडिशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट फेवरेबल बिकॉज इन इट्स फॉर्मेशन द करेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज लॉस्ट, द ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इन विच द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन इज रिटेन्ड। अब बेटा याद रखेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव की मिसिंग हो गई है तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा यहाँ पॉजिटिव, इस कार्बन पे भी होगा चार्ज पॉजिटिव, दोबारा चार्ज खत्म हो जाएगा और बेंजीन की स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद दोबारा तीन है और डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डेवलप हो गया। फिर हमारे पास जनरल मैकेनिज्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिएक्ट करता है विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो पहला जो केस होता है उसमें होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखें ये ई जिस पे चार्ज है पॉजिटिव ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इस पे अटैक करता है अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव क्योंकि मैंने यूं डायरेक्शन दी है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यूं जुड़ेगा तो ये जुड़ गया और इस सी पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब इसको कहते हैं बेंजीनोनियम आयन और एरिनियम आयन। अब ये जो ई है इसका कोई नेगेटिव चार्ज पार्ट होता है, लेट्स सपोज वो बेस होगा। अब जब ये बेस आएगा तो बेस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा इस एच पर, यहां से लेगा एच पॉजिटिव बन जाएगा बी एच पॉजिटिव क्योंकि बी ने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया इसलिए इस पे चार्ज है पॉजिटिव। अब ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पाई बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, तो ये तो इसका मतलब ये हुआ बेस जो होता है वो फैसिलिटेट करता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम को, बेस डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन एटम को, जैसे ये डोनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिलीज होता है करता है इट्स इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एज ए रिजल्ट बेंजीन रिंग रीगेन्स इट्स स्टेबिलिटी। ये दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एक्स्ट्रा बताया है मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो हमारे पास होता है बेंजीनोनियम आयन ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है, इसके दो तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इधर भी हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में इधर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा तो इस सी पे पॉजिटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा तो इस सी पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस बेंजीनोनियम आयन की ये तीन रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन्स फॉर्म बनती है। फिर है जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, होता क्या बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शंस इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस अ फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड विच इज टिपिकली बट नॉट ऑलवेज अ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड का हाइड्रोजन एटम, कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जो मोस्टली ऑलवेज नहीं तो मोस्टली क्या होता है एच पॉजिटिव होता है जो रिप्लेस होता है विद एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट्स मीन मैं कह सकता हूं बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दे, एच को हटाए हाइड्रोजन आयन की फॉर्म के अंदर, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा हमने डिफरेंट रिएक्शन यहाँ पे पढ़ने हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। बेंजीन रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस हैलोजिनेशन के केस में
क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो नॉर्मल कंडीशंस पे हो जाती हैं, बट फ्लोरीनेशन इज टू विगोरियस टू कंट्रोल, कि ये कंट्रोल करना इसका रिएक्शन डिफिकल्ट होता है। दूसरा आयोडीनेशन देता है पुअर यील्ड, तो हम मोस्टली बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन या हैलोजिनेशन रिएक्शन के केस में डिस्कस करते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। जनरल रिएक्शन देखें, इस वक्त ये बेंजीन है, क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। बेटा ये एच और सी एल यू मिलके बना देंगे एच सी एल और क्लोरीन यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, तो बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस एच सी एल। दूसरे नंबर पे ब्रोमिनेशन, तो बेंजीन प्लस बी आर, तो बी आर और एच मिलके एच बी आर बना देंगे, बी आर इसके साथ अटैच हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट, तो बना ब्रोमोबेंजीन प्लस एच बी आर। अब है जी मैकेनिज्म। बेटा हैलोजिनेशन के केस में थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व है मैकेनिज्म के। पहला है जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, एक्चुअल हैलोजिनेटिंग एजेंट जो है इस वक्त हैलोजिनियम आयन, क्लोरीनेशन के केस में क्लोरोनियम आयन और ब्रोमिनेशन के केस में ब्रोमोनियम आयन है। ये कैसे जनरेट होता है बेटा? जनरेट इस तरह से होता है, ये ब्रोमीन है, ये फेरिक ब्रोमाइड है, ये लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है। पहले ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट करता है, जब ये लोन पेयर अपना इसे डोनेट करेगा तो इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब होता क्या है, जब ये इस पे जाता है ना, ये लोन पेयर अपना इसे देता है, इस एफ पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बना। फिर अगले केस में ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस पे आ जाता है, तो अब चार्ज इस बी आर पे आ जाता है, ये बन जाता है एफ ई बी आर फोर नेगेटिव। तो ये जो बी आर पॉजिटिव बनता है, दिस एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। फिर बेटा हमारे पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है अबव स्टेप के अंदर, वो अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन पर, जिसके नतीजे में बनता है बेंजीनोनियम आयन। कैसे? इस पे पॉजिटिव चार्ज अकेला भी रिएक्ट कर सकता था, अब अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी जब इसने इस पे अटैक किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, इसके नतीजे में बी आर इससे जुड़ा, इस सी पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये बना बेंजीनोनियम आयन प्लस बन गया एफ ई बी आर फोर नेगेटिव। फिर नेक्स्ट केस है डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन। फिर बेटा ये जो एफ ई बी आर फोर नेगेटिव था, इसका एक बी आर नेगेटिव आके इस पे अटैक करता है, यानी ये जब बी आर इधर आएगा ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट किया वो इधर आएगा वापस, तो यहाँ से एच बी आर बन जाएगा, ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस आ जाएंगे, तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस एच बी आर प्लस एफ ई बी आर थ्री एज अ कैटलिस्ट। फिर है जी साइड चेन हैलोजिनेशन, कि बेंजीन अल्काइल बेंजीन का जब रिएक्शन होता है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ओनली अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है। कैसे बेटा? जैसे इस वक्त ये मिथाइल बेंजीन है जिसे हम कहते हैं टॉलवीन, अब इसके तीन हाइड्रोजन है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरीनेशन करेंगे तो पहले एक एच इस सी एल से मिलकर एच सी एल बनाएगा और एक एच हटा के सी एल लगा देंगे, इस कंपाउंड को कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड। फिर जब दूसरी दफा अगेन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन होगी तो इसका दूसरा एच इस सी एल से लेके एच सी एल बनाएगा और एक सी एल उस एच की जगह रिप्लेस हो जाएगा, तब इसे कहेंगे बेंजल क्लोराइड। और फिर है बेटा ये जो बेंजल क्लोराइड है, फर्दर जब क्लोरीनेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये एच भी रिप्लेस हो जाएगा इस सी एल के साथ, तो बन जाएगा एच सी एल और एच की जगह आया क्लोरीन, तो इसे कहेंगे बेंजो ट्राई क्लोराइड। फिर है जी नेक्स्ट नाइट्रेशन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। बेटा नाइट्रेशन बेंजीन की होती है तब जब हम इसे हीट करते हैं 1:1 मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। होता क्या है जनरल रिएक्शन के अंदर, ये नाइट्रिक एसिड का ओपन स्ट्रक्चर है,
ये बेंजीन है, ये एच और ओ एच मिलके बना देते हैं वाटर, एनओ टू इसके साथ अटैच हो जाता है। एनओ टू पे चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि इस ओ पे नेगेटिव चार्ज है, इस एन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो ये ओ एच एच से मिलेगा, वाटर बनेगा, नाइट्रो को रिप्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट। अब दूसरा केस देखें, मैकेनिज्म क्या है। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, जनरेट होता है नाइट्रोनियम आयन। कैसे? ये रिवर्सिबल स्टेप है। इसके अंदर देख सकते हैं आप कि जो नाइट्रिक एसिड का ओ एच है, ये इस एच पे अटैक करता है, जिससे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे जाता है, बनता है ये एच एस ओ फोर नेगेटिव। जब ये एच इधर जाएगा तो इस ओ पे चार्ज पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये पेयर इधर जाता है इस पे, ये वाटर निकलता है प्लस ये एनओ टू निकलता है, और क्योंकि ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है तो इस एन पे चार्ज जाता है पॉजिटिव, जो इस तरह लिखा जाता है। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड ने जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बना हाइड्रोजन सल्फेट आयन, नाइट्रोनियम आयन और वाटर। दिस नाइट्रोनियम आयन एनओ टू पॉजिटिव एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। फिर दूसरे स्टेप के अंदर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है, ये अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन पर, जिससे बनेगा बेंजीनोनियम आयन। तो देखें ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इस एन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। साथ ही ये जो एच वाटर है बेटा, ये नहीं होगा, ये मिसप्रिंटिंग है, ये वाटर यहाँ पे नहीं बनेगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन क्या होगा, बेंजीनोनियम आयन, फिर होगा डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना था, ये इसे एच लेगा, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये दोबारा बन जाएगा बेंजीन, उसके साथ नाइट्रो, तो नाइट्रोबेंजीन, एच एस ओ फोर नेगेटिव ने एच लिया, बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप कि ये बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।